subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon. Self breast exam तो सुना है, but ये vagina self exam क्या होता है? ये करते कैसे हैं? What things should I keep in my mind while checking my vagina? सबसे पहले, let me tell you कि vagina self exam is as important as self breast examination. हम आज इसकी बात इसलिए कर रहे हैं, so that अगर आपके vagina में कोई unusual changes noticeable हो, तो at least आपको पता रहे. A self-exam isn't as in-depth as a pelvic exam performed by your gynecologist. But self-exam se aapko STDs ke signs, changes to your vulva that could signal other health problems, ya fir koi irregular spots ya sores ho, to wo pata lag sakte hain, jo aap turant apne doctor se check karwa sakte ho. Let's see how to do a vaginal self-exam. आप कभी भी कर सकते हो, but it's best when you're in between your periods. आप कोई भी vaginal creams या douches मत use करना for at least 24 hours before doing the exam. Things you'll need are a small hand mirror, phone की flashlight या कोई भी small torchlight, a detailed diagram of the genitals with all the parts labeled so that आपको पता हो कि आप कौन सा part check कर रहे हो, gloves, pillows and a towel. Now make sure कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हैं and आपने sterilize किए हुए gloves ही पहने हैं. अब आप अपना बॉटम वेयर रिमूव करके सिट ऑन योर बेड और ऑन अ टॉल ऑन द फ्लोर अगेंस्ट अ वॉल एंड सपोर्ट योर बैक विद पिलोज. अपनी फीट को अपनी तरफ पुल कर लो एंड देन स्प्रेड योर लेग्स. रिलैक्स योर पेल्विक मसल्स. फिर आप मिरर की हेल्प से अपने वल्वा को एग्जामिन करो. एग्जामिन द आउटर एंड इनर लिप्स ऑफ योर वल्वा. स्लाइट बम्प कवर्ड बाय अ हुड ऑफ द स्किन एट द फ्रंट ऑफ द लेबिया, द क्लिटोरिस. ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा वेयर पी कम्स आउट. ओपनिंग ऑफ द वजाइना. अपने फिंगर्स को यूज करके पार्ट द लिप्स एंड प्यूबिक हेयर सो दैट आप अच्छे से वजाइना एग्जामिन कर पाओ. टेक नोट ऑफ द कलर एंड साइज ऑफ ईच पार्ट सो दैट कोई चेंजेस हो तो आप इजीली नोटिस कर पाओ. आप अपने वजाइनल डिस्चार्ज को भी नोटिस करो. नॉर्मल डिस्चार्ज यूजुअली क्लियर और क्लाउडी व्हाइट कलर का होता है. स्मेल्स अ बिट विनेगरी एंड मे बी थिक और थिन. नाउ लेट्स सी कि कौन से अनयूजुअल चेंजेस देखकर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. अगर फिशी स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, इट मे बी बैक्टीरियल वेजिनोसिस. A thick texture resembling cottage cheese with itching, it may be vaginal thrush. Discharge that's green, yellow or frothy, it may be trichomoniasis, a sexually transmitted infection. Discharge with pelvic pain or bleeding, may be chlamydia or gonorrhea. Soreness, itching ya swelling around the vagina, it may be vaginitis or eczema. आपके वजाइना पे या अंदर कोई भी ब्लिस्टर्स या सोर्स हो, इट मे बी जेनिटल हर्पीस. एनी ग्रोथ और लम्ब्स, इट मे बी जेनिटल वॉर्ड्स और बार्थोलिन सिस्ट्स. कोई ऐसा लम्ब जो बहुत टाइम से है विद स्मेली एंड ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड पेन वाइल पीन, इट मे बी अ साइन ऑफ वजाइनल कैंसर. इट इज रेयर इन वेमेन अंडर 40, बट आपको एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए. ये सारे चेंजेस आप इजिली नोटिस कर पाओगे अगर आप अपना वजाइना रेगुलरली चेक करते रहोगे. डू अ वजाइनल सेल्फ एग्जाम बिटवीन पीरियड्स एट द सेम टाइम ईच मंथ. If you do find a problem, remember, the earlier it is diagnosed and treated, the sooner you will feel better and find peace of mind. Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.